हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो कि अपने हथियार को बड़ा करने के लिए कड़ी तपस्या करता है, और इस तपस्या के बाद उसे यह यकीन आ जाता है कि अब उसका हथियार सबसे बड़ा है। वो अपने बड़े हथियार के साथ क्या क्या कारनामे करता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग मिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने हथियार को बड़ा करने के लिए कई सालों से तपस्या कर रहा था। जब वो अपने तपस्या में सफल हो जाता है तब उसे इस बात का यकीन आ जाता है उसका हथियार अब सबसे बड़ा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम लोग चमेली को देखते हैं। मिन चमेली के फादर के पास जाता है क्योंकि वो चमेली को पसंद करता था, इसलिए वो चमेली के फादर से शादी की बात करने के लिए गया था। वो चमेली के फादर से ये कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए शादी के बाद आपकी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ होगी और मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। उसकी बातों को सुनकर चमेली का फादर बहुत खुश होता है। इसके बाद मीन और चमेली की शादी तय हो जाती है। इनकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और अब इन दोनों का सुहागरात आता है। मीन यहाँ पर बहुत खुश था, वहीं चमेली काफी डरी हुई थी क्योंकि आज पहली बार उसका खाता खुलने वाला था। इसके बाद ये लोग रात भर गपागप करते हैं। मीन को अपने हथियार पर बहुत घमंड था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता था वो चमेली की अच्छे से लेता था। ये दोनों आपस में बहुत खुश थे और इनकी मौज मस्ती में ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मीन चमेली के फादर के पास फिर से आता है और वो कहता है, मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ और मैं जिस शहर में काम करना चाहता हूँ वो यहाँ से काफी दूर है। काम की बात को सुनकर चमेली का फादर काफी खुश होता है और वो खुशी खुशी उसे दूसरे शहर जाने का परमिशन दे देता है। अगले ही दिन मिन दूसरे शहर जाने की तैयारी कर लेता है। उसके शहर जाने की बात को सुनकर चमेली बहुत अपसेट हो जाती है। मिन उससे कहता है, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए वो यहाँ से निकल जाता है। चमेली जैसे ही उसे जाते हुए देखती है वो रोने लगती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग दूसरे शहर में मिन को देखते हैं। दूसरे शहर में आते ही मिन का एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम चैंग था। मिन अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहा था, तभी मिन की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उस लड़की को देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। चैंग उसकी हालत को देखकर ये कहता है, तुम तो लड़कियों के बड़े शौकीन लगते हो। उसकी बात को सुनकर मिन उससे कहता है, मुझे खूबसूरत लड़कियाँ बहुत पसंद है और इन लड़कियों को पाने के लिए ही मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ। मिन अपने दोस्त चैंग से ये सच कहता है क्योंकि उसका मन अब चमेली से भर चुका था और इसलिए वो नई नई लड़कियों के तलाश में शहर आया था। इसके बाद हम लोग एक मंदिर में एक लड़की को देखते हैं। यहाँ पर गुलाबो नाम की एक सुंदर लड़की पूजा करने के लिए आई थी। जब मिन की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तब वो उसे छुपकर देखने लगता है। वो उसे देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। इधर हम लोग देखते हैं, गुलाबो की शादी 2 साल पहले हुई थी लेकिन अब तक उसका कोई भी बच्चा नहीं था और इसी के लिए वो पूजा करने के लिए यहाँ आई थी। मिन चोरी छुपे उसकी प्रार्थना को सुनता है। इसके बाद वो आगे जाकर गुलाबो से बातें करने की कोशिश करता है लेकिन गुलाबो उससे बातें नहीं करती है। तभी हम लोग ये देखते हैं, गुलाबो उसे पीछे मुड़कर देखती है। इसका मतलब ये है कि अब गुलाबो को भी मिन पसंद आने लगा है। वो भी अब माँ बनना चाहती थी, इसलिए वो भी एक नए हथियार की तलाश में थी। जैसे ही रात होती है मिन अपने दोस्त चैंग के पास जाता है और वो उसे अपनी सारी कहानी बताता है। वो चैंग से ये कहता है, आज मुझे मंदिर में एक लड़की दिखी थी जो कि बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी बात को सुनकर चैंग ये समझ जाता है कि मिन किस लड़की के बारे में बातें कर रहा है। इसके बाद वो उसे गुलाब के बारे में और भी बताने लगता है। वो अपने दोस्त मिन से ये कहता है, गुलाब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जो कि शुरू से ही देखने में बहुत सुंदर थी और वो काफी गर्म शरीर वाली होती है जिसके वजह से उसे सेटिस्फाई कर पाना इतना आसान नहीं है। चैंग मिन को गुलाब के बारे में सब कुछ बताकर उससे ये कहता है, अगर तुम्हारे हथियार में दम है तभी तुम गुलाब को सेटिस्फाई कर पाओगे, नहीं तो वो तुम्हारे हथियार को बेहाल कर देगी। मिन उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है क्योंकि मिन को अपने हथियार पर बहुत घमंड था। मिन कहता है, मेरे पास काफी बड़ा हथियार है और मैं उसे आसानी से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। चैंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो उसके हथियार को नापने का फैसला करता है। जैसे ही चैंग उसके हथियार को नापता है ये लोग देखते हैं, मिन का हथियार उम्मीद से बहुत छोटा था। उसके नन्हे से हथियार को देखकर चैंग उसे गुलाब से दूर रहने के लिए कहता है। चैंग की बात को सुनकर मिन बहुत परेशान हो जाता है जिसके वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता है। अगले ही दिन हम लोग मिन को बाजार में देखते हैं। मिन की नज़र दीवार पर चिपके हुए एक पेपर पर पड़ती है। पेपर पर यह लिखा हुआ था, आप चाहे तो अपना हथियार बड़ा करवा सकते हैं। उस पेपर के नीचे एक साधु का पता भी लिखा हुआ था। उस पेपर को पढ़कर मिन उस साधु के पास पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ उसका इलाज शुरू होता है और अब मिन बिल्कुल ठीक हो चुका था और अब उसके पास काफी बड़ा हथियार था। कुछ दिनों के बाद मिन चैंग के पास जाता है। वो अपने नए हथियार का टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो बाजार में एक औरत के पास जाता है। मिन यहाँ बाजार में एक औरत को देखता है जो कि पैसे लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जैसे ही रात होती है मिन उस औरत के घर में पहुँच जाता है और जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है वो अपने बड़े वाले हथियार का इस्तेमाल करके बहुत मजे लेता है। उस साधु का इलाज काम कर गया था, इसका मतलब ये था
अब मेनका हथियार गुलाब के लिए तैयार था। इसके बाद हम लोग बाजार का सीन देखते हैं। यहाँ हमें गुलाब का हस्बैंड जॉन दिखता है। जॉन के पिता भी उसके साथ होते हैं और वो जॉन को ये समझा रहे होते हैं, तुम्हें गुलाब को तलाक दे देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें बच्चे नहीं दे सकती है। जॉन जब अपने पिता की इन बातों को सुनता है तब वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जॉन का बाप उसे शांत करते हुए ये कहता है, मेरी नज़र में एक आदमी है जो कि गुलाब के बदले में तुम्हें काफी पैसे देगा। इन दोनों की बातें जैसे ही खत्म होती है, हम लोग यहाँ मीन और चैंग को देखते हैं जो कि गुलाब के बदले में पैसे देना चाहते थे ताकि जॉन गुलाब को छोड़कर चला जाए। शुरू में जॉन जब उनकी बातों को सुनता है तब वह बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जब ये लोग उसे पैसे दिखाते हैं तब उसका गुस्सा शांत हो जाता है और इसके बाद वो उन पैसों को लेकर यहाँ से चला जाता है। और अब मीन गुलाब के साथ वो सब कुछ कर सकता था जो कि वो बहुत दिनों से करना चाहता था और अब उसे किसी से भी कोई भी खतरा नहीं था। कुछ दिनों के बाद जॉन चमेली के फादर के पास आता है और वो उनसे कहता है, मैं काफी गरीब हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। चमेली का बाप उससे कहता है, तुम तो देखने से गरीब नहीं लगते हो। तब जॉन कहता है, पहले मेरे पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन उन सारे पैसों को चोरों ने चुरा लिया और अब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, इसलिए मुझे काम चाहिए ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। जॉन की बातों को सुनकर चमेली का बाप उसे काम के लिए रख लेता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग मीन को देखते हैं जो कि गुलाब के पीछे लगा हुआ था ताकि जैसे ही उसे मौका मिले वो अपने हथियार का मजा गुलाब को दे सके। वहीं इधर मीन की वाइफ चमेली बहुत उदास थी क्योंकि उसे घपाघप किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। जब उसकी नज़र जॉन पर जाती है तब उसके दिल में जॉन के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद इस शहर में एक किलर आ जाता है जो कि लड़कियों की इज्जत को लूटकर उन्हें तड़पाकर मार देता था। इधर गुलाब का पति उसे छोड़कर जा चुका था जिसके वजह से वो घर में बिल्कुल अकेली थी और उस किलर के वजह से वो काफी डरी हुई थी। तभी जैसे ही मौका मिलता है मीन उसके पास आता है क्योंकि मीन इस मौके का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और अब जाकर उसे ये मौका मिला है। इस मौके में वो चौका मारता है और वो गुलाब के साथ भयंकर घपाघप कर लेता है। इधर हम लोग चमेली को देखते हैं जो कि अब जॉन के प्यार में पड़ चुकी है। इधर जॉन को भी जैसे ही मौका मिलता है वो चमेली की अच्छे से लेता है। इधर एक तरफ मीन जॉन की बीवी के साथ लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर जॉन मीन की बीवी के साथ घपाघप कर रहा था। थोड़े दिनों के बाद मीन गुलाब के साथ में उसी के घर में रहता है। एक दिन गुलाब के रिलेटिव उससे मिलने के लिए आते हैं। उस आदमी के साथ में उसके जवान बेटियां भी आई थी। अब मीन का मन गुलाब से भी पूरा हो चुका था, इसलिए बार बार उसका ध्यान अपने सामने बैठी हुई लड़कियों पर जा रहा था। गुलाब मीन को उन्हें घूरते हुए देख लेती है और वो उसकी हरकतों को पहचान कर उसे वहीं पर रोकती है। इधर चमेली अपने घर को छोड़कर जॉन के साथ भाग जाती है। चमेली ये अच्छे से जानती थी जब इसके बारे में उसके बाप को पता चलेगा तब उसका फादर उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। चमेली अब जॉन की बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए उसे चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसके बाद वह जैसे ही आगे चलने की कोशिश करती है उसका पांव फिसल जाता है और वो जमीन में जोर से गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसे काफी चोट भी लगी थी। थोड़ी ही देर बाद ये दोनों एक घर में पहुँचते हैं। यहाँ आते ही चमेली होश में आ जाती है। उसे होश में देखकर जॉन उससे ये कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हारे पति से बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम्हारे पति मीन ने मेरी पत्नी गुलाब को मुझसे छीन लिया है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करने का बस नाटक कर रहा था। उसकी बातों को सुनकर चमेली बहुत हैरान होती है क्योंकि अब वो जॉन से बहुत प्यार करती थी। जॉन आगे ये कहता है, अब मैं तुम्हें महल में बेच दूंगा जहाँ बहुत से ग्राहक रोज आएंगे और वो सारे लोग तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। जॉन ऐसा ही करता है। कुछ दिनों के बाद हम लोग महल में देखते हैं। यहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ थी और ये सारी लड़कियाँ पैसे लेकर कस्टमर्स के साथ घपाघप किया करती थी। जॉन ने चमेली को यहीं पर बेचा था। इधर हम लोग मीन को देखते हैं जिसका मन अब गुलाब से भर चुका है और अब उसे अपनी बीवी की याद सताने लगती है। इसके बाद वो अपनी बीवी के घर में आता है। तब उसे ये जानकारी मिलती है चमेली कई दिनों से गायब है। चमेली का पिता मीन से ये कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस किलर ने चमेली को मार दिया है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। मीन अब काफी उदास रहता था। ऐसे ही एक बार वो घूमते हुए महल में पहुंच जाता है। यहाँ महल वाले उसे चमेली के कमरे में भेजते हैं। वो पहले तो चमेली को पहचान नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही ये लोग प्यार करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तब ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। अपनी बीवी को यहाँ देखकर मीन पागल सा हो जाता है। वो महल वालों से चमेली के यहाँ आने के बारे में पूछता है। वो उनसे लड़ाई करते हुए ये पूछता है, कौन उसे यहाँ लेकर आया था। महल वाले उसे ये बताते हैं, यहाँ चमेली को जॉन लेकर आया था। जॉन का नाम सुनते ही मीन सब कुछ समझ जाता है कि जॉन ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। वो चमेली के पास दौड़कर जाता है, लेकिन तब तक चमेली अपनी जान ले चुकी थी। कहानी के आखिर में हम लोग मीन को देखते हैं जो कि काफी उदास है और वह फिर से तपस्या में लग जाता है, लेकिन इस बार वह अपने गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोग जॉन को देखते हैं।
वो अभी अपने गलतियों के लिए तपस्या कर रहा था और ये दोनों बहुत दुखी थे। इन दोनों का परिवार इनसे अब छिन चुका था। अगर ये दोनों आज एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते तब इन दोनों के पास एक हंसता खिलता परिवार होता। इन दोनों के प्रायश्चित के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।